नमस्ते, आपका स्वागत है आज की टेक अपडेट्स में। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपडेट है सैमसंग को लेकर। सैमसंग ने गैलेक्सी एस और नोट सीरीज के फोनों के लिए एक मुफ्त स्क्रीन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इन उपकरणों के मालिकों को 30 अप्रैल तक सैमसंग इंडिया सर्विस सेंटर के साथ एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का समय है। सेकंड अपडेट है नथिंग को लेकर। नथिंग, जो कि कार्ल पे द्वारा नेतृत्व की जा रही यूके बेस्ड स्मार्टफोन ब्रांड है, ने समुदाय के सदस्यों के ईमेल एड्रेसेस को प्रभावित करने वाली वल्नरेबिलिटी की पुष्टि की है। नेक्स्ट अपडेट से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट अपडेट है मेटा को लेकर। एप्पल विजन प्रो को मध्य नजर रखते हुए मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट और एसुस के साथ मिलकर गेमिंग वीआर हेडसेट बनाने का काम शुरू किया है। नेक्स्ट अपडेट है रियलमी को लेकर। रियलमी C65 की भारत में 26 अप्रैल को और रियलमी नार्जो 70X 5G 24 अप्रैल को लॉन्च होने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है एयरटेल को लेकर। एयरटेल ने नए अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग प्लान की घोषणा की है, जिसमें फ्लाइट डेटा लाभ शामिल है। नेक्स्ट अपडेट है व्हाट्सएप को लेकर। जल्द ही व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को पिक्चर्स और फाइलों को भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट है लावा को लेकर। लावा प्रो वॉच ZN सस्ती स्मार्ट वॉच S 26 अप्रैल को लॉन्च होगी, जिसकी कीमत 2599 रुपए है। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग को लेकर। सैमसंग गैलेक्सी C55 स्नैपड्रैगन 7 जीन 1 SoC लेदर बैक के साथ लॉन्च हुआ। नेक्स्ट अपडेट है एप्पल को लेकर। एप्पल M3 पावर्ड मैक मिनी को स्किप करेगा, M4 मॉडल 2024 के अंत तक लॉन्च करेगा। नेक्स्ट अपडेट है अडोबी को लेकर। अडोबी दावा करता है कि इसका नया छवि जेनरेटिव मॉडल अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल है। लास्ट अपडेट है एप्पल को लेकर। एप्पल का AI इंटरनेट कनेक्शन के बिना काम करेगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।